हेलो कैप्रिकॉर्न, मैंने देखा है जब दिल की बात होती है ना तो लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। क्या होने वाला है, पार्टनर आने वाला है नहीं आने वाला है, कोई हाँ बोलने वाला है ना बोलने वाला है, फ्यूचर पार्टनर कैसा दिखता होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मुझे पता है क्यूरियोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है जब प्यार से रिलेटेड बातें होती हैं, इसलिए इस रीडिंग में मैं ये पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ये सारी चीज़ें कवर कर पाऊँ। जो भी यूनिवर्स के मैसेजेस होंगे मैं वो सारे आपको बताऊंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग के लिए जो कि है नेक्स्ट 10 डेज, 1st to 10th जून। आइए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, 1st to 10th जून के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न्स लव लाइफ। ओके 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 तो कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले तो ये चीज़ कि आपके रीडिंग में तीनों मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं, कोई भी माइनर अरकाना नहीं आया है। द स्टार, द हाई प्रीस्टेस, द लवर्स। अब देखिए, द स्टार हमको ये बताता है कि आप ना बहुत होपफुल हैं इस चीज़ को लेकर कि प्यार आएगा आपकी लाइफ में। आप ना बिलीव करते हो प्यार में। आपने एक कहते हैं ना, एक एक इंसान इंस्पायर्ड होता है इस चीज़ से कि ये चीज़ तो होके रहेगी, ये चीज़ सच्ची है, ये चीज़ बिलीवेबल है, प्यार आपके लिए वो है। तो यहाँ पे प्यार पे ना आप बहुत होप बनाए हुए हो कि ये चीज़ तो मेरे साथ होके ही रहेगी। आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप क्विट नहीं कर रहे हो। दूसरा मुझे यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, तो अभी आपकी जो एक वाइब है ना, देखिए वो वाइब ऐसी है कि आप बहुत ही वाइज हो रहे हो। नेक्स्ट 10 डेज प्लस माइनस फ्यू डेज आप बहुत ज़्यादा वाइज हो रहे हो। आपके जो डिसीजंस हैं, जो कहते हैं ना एक बिहेवियरल तरीका होता है, एक बॉडी लैंग्वेज होती है, एक डिसीजन मेकिंग स्किल होता है किसी में, वो बहुत इंटेलिजेंट होता जा रहा है आपका। आप बहुत ही समझदार होते जा रहे हैं टाइम के संग। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से ना स्पिरिचुअली इंक्लाइन भी हो रहे हैं। कोई ऐसा है जो आपको स्पिरिचुअल नॉलेज या स्पिरिचुअल गाइडेंस दे रहा है और आप थोड़ा सा ना स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। और देखिए, हाई प्रीस्टेस से आपका थर्ड आई चक्रा तो जो अनब्लॉक हो रहा है क्योंकि विजडम आपका बढ़ रहा है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। कुछ ना यहाँ पे क्योंकि हमारे पास लवर्स भी है, तो कोई तो आने वाला है आपकी लाइफ में। किस सेंस में वो अभी हम देखते हैं, बट कोई तो प्यार से रिलेटेड कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, जिसके रिगार्डिंग आपने होप बना के रखी हुई थी कि ये इंसान, ऐसा इंसान मुझे चाहिए, ऐसा इंसान मुझे मिलेगा। आप होपफुल थे। कुछ इस रीडिंग से हट के कुछ मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में ना कहीं पे कुछ सीक्रेट्स भी इन्वॉल्व हैं। ये मुझे कुछ एक स्पेशल मैसेज आ रहा है, देखिएगा अगर रेजोनेट करता है तो। बट कहीं पे ना कुछ सीक्रेट्स भी इन्वॉल्व हैं। अब हो सकता है कि ये जो इंसान आपकी लाइफ में आए, आपको ये देखना है कि ये आपको स्टार्टिंग से सब कुछ सच बता रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे इस चीज़ की वाइब आ रही है कि ये आपसे थोड़े से ना सीक्रेट्स रखेंगे और ये आपको पता लग जाएगा क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस हो। आपको आपको ना थर्ड आई आपका अनब्लॉक हुआ हुआ है, आप वाइज हो, आपका विजडम बहुत अच्छा है, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे सीक्रेट्स हैं इस लवर के साथ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी लवर्स। ठीक है, तो कोई प्यार करने के लिए आने तो वाला है और ऐसा नहीं है कि ये इंसान टॉक्सिक होगा या बुरा होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये इंसान बहुत अच्छा होगा। और क्योंकि लवर्स हैं तो जेमिना एक्वेरियस लीब्रा में से कोई हो सकता है, जेमिना लीब्रा एक्वेरियस में से कोई हो सकता है, और क्योंकि हमारे पास स्टार है तो स्टार भी हमारे पास जेमिना लीब्रा एक्वेरियस है, हाई प्रीस्टेस हमारे पास पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो है, तो अब आप वो देख सकते हैं कौन सा आपके संग रेजोनेट करता है। बट ये आपके लिए जो है सिग्निफिकेंट सन साइंस, जोडियक साइंस वो ये हैं। इसमें कोई और मैसेज तो नहीं आ रहा है, बस ये जो इंसान आपके पास आएंगे ना,
आप ना स्टार्टिंग में ही क्लारीफाई कर लेना, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा तो हिंट मिल जाएगा ये किसी चीज़ के रिगार्डिंग ये सीक्रेट रखे हुए हैं। मे बी आपको बोलें कि इनका जो ब्रेकअप हुआ था वो इनकी एक्स ने इनको छोड़ा था, डंप किया था, बट एक्चुअली में इन्होंने करा हो, तो ऐसा कुछ कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। देखिए, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हस्बैंड कुछ तो आपसे सीक्रेट्स रख रहे हैं, ठीक है। अब वो सीक्रेट्स किस कनेक्शन में हो सकते हैं? हो सकता है वो आप ही के बर्थडे के लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो, तो वो आपको क्यों बताएंगे, वो सीक्रेट रखेंगे। हो सकता है कुछ और भी हो। आप अपनी शादी में भी ना मुझे ऐसा लग रहा है आप होप नहीं छोड़ रहे हो, आप बहुत ही होपफुल हो कि अगर चीज़ें थोड़ी सी बोर चल रही हैं, लेकिन ऐसे प्लेन चली चली जा रही, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, तो आप होपफुल हो कि वो एक्साइटमेंट वापस आएगी, तो आप गिव अप नहीं कर रहे हो अपनी शादी पे, कनेक्शन पे, इस होप पे कि कोई आपकी लाइफ पे आए, लाइफ में आएगा, और आप ना बहुत वाइज बिहेव कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो। आइए देखते हैं लव एंड कनेक्शन डेक से क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, 1st to 10th June। टर्न ऑन योर लव लाइट। लव डजेंट हैव टू मीन नियर। देयर इजेंट अ सोल ऑन द प्लैनेट हु डजेंट क्रेव योर अप्रूवल। तो देखिए कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर ना यूनिवर्स एक तो ये बताना चाह रहे हैं कि आप ना अगर आप ऑलरेडी शादी में हो, एक मैरिज में हो, तो ठीक है, बट अगर आप एक कहते हैं ना आप लव ढूंढ रहे हो, टर्न ऑन योर लव लाइट, मेरे ख्याल से आप ढूंढ तो रहे हो, बट ढूंढ कैसे रहे हो, घर में बैठ के? आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप अगर बाहर नहीं निकल रहे हो, घर में बैठे हुए हो, सोच रहे हो यार मैं सिंगल क्यों हूँ, मुझे ये इंसान कब मिलेगा, मेरे सपनों का सौदागर कब मिलेगा, मेरे सपनों की रानी कब मिलेगी, ऐसे तो नहीं मिलेगी, लिहाफ में बैठे रह के ये रीडिंग्स देखते रहोगे घर में बैठ के, तो कैसे मिलेंगी, बाहर जाके मिलेंगी ना। तो बाहर आपको निकलना पड़ेगा, अपनी जो लव लाइट है, एक कहते हैं ना सर्च लाइट जो है वो ऑन करनी पड़ेगी, थोड़ा सा बाहर निकलो, घूमो फिरो, कोई क्लासेस ज्वाइन करो, एक्टिविटीज़ ज्वाइन करो, जिम ज्वाइन करो, कहीं पे तो टकराएगा ना कोई इंसान, मूवीज़ देखने जाओ। तो टर्न ऑन योर लव लाइट। लव डजन हैव टू मीन न्योर। ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास कोई लॉन्ग डिस्टेंस प्रपोजल आए, या आपके हस्बैंड दूर रह रहे हैं, या आपका पार्टनर दूर रह रहा है, डज नॉट मीन कि प्यार कम हो रहा है। प्यार का डिस्टेंस से, कनेक्शन से कोई वास्ता नहीं है। अगर आपका ये जो कनेक्शन जो आने वाला है, लेट्स से आप इसके संग थोड़ा सा क्लिक कर जाते हो, बट आपको लगता है कि यार ये तो बहुत दूर रहता है, नहीं हो पाएगा डिस्टेंस, पता है ये सारी चीज़ें ना बहुत कमज़ोर लोग सोचते हैं, डिस्टेंस का प्यार से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको पता है आपका पार्टनर लॉयल है, आप लॉयल हो, आप दोनों अंडरस्टैंडिंग हो, समझदार हो, तो क्या है उसमें, क्या प्रॉब्लम क्या है, मुझे मुझे समझ नहीं आता। तो लव का कुछ उससे कनेक्शन ही नहीं है। कमिंग बैक टू द अर्लियर कार्ड, टर्न ऑन योर लव लाइट। अब अगर आप मैरिड हो, ठीक है, तो यहाँ पे ना जैसे मैंने आपको पहले बोला कि थोड़ी सी ना चीज़ें बोर हो सकती हैं अभी इस टाइम पे, तो अभी आपको थोड़ी सी चीज़ें एक्साइटिंग बनानी है। अब जब मैं एक्साइटिंग बोलती हूँ, तो उसका ज़रूरी नहीं है कि मैं फिज़िकल इंटीमेसी से ही मतलब बोल रही हूँ। फिज़िकल इंटीमेसी और कहते हैं ना एक सेक्सुअल प्लेजर के अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं लाइफ में जो कि एक्साइटमेंट बना सकती हैं। आप लोग घर पे डेट नाइट प्लान कर लो, कुछ किसी के लिए कोई शौक का खाना बना दे, कोई बाहर घूमने चले जाओ, कुछ कुछ एक एक्साइटमेंट लाओ, कहीं ट्रिप प्लान कर लो, कुछ एक मोनोटनी तोड़ के ना कुछ एक डिफरेंट करो अपने पार्टनर के लिए। टर्न ऑन योर लव लाइट अगर बहुत बोरिंग चल रहा है तो। देयर इजेंट अ सोल ऑन द प्लैनेट हु डज नॉट क्रेव योर अप्रूवल। अब देखिए, अगर आप सिंगल हैं और जो पार्टनर आपके पास आने वाले हैं वो ऐसे होंगे कि वो ना आपको हर चीज़ में इन्वॉल्व करके चलेंगे, वो आपको इंक्लूड करेंगे, वो आपको ऐसे फील कराएंगे कि आपकी ज़रूरत महसूस नहीं, वो आपको ऐसे फील कराएंगे कि उनको आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है, जो कि एक्चुअली में होगी। वो आपको हर डिसीजन में, हर डिस्कशन में, पूरा कहते हैं ना एक वो दिनचर्या बताना, पूरा डेली रूटीन, ये दिन में क्या हुआ, बॉस ने ये बोला वो बोला, एक आपको प्रेजेंस फील होगी, आपको फील होगा कि आप विजिबल हो, एक्सेप्टेड हो,
उस तरीके का ये कनेक्शन होने वाला है। इनफैक्ट जो आपकी मैरिज है ना उसमें भी आपका आगे जाके ना जो अभी थोड़ा चेंज आएगा ना, थोड़ा सा आप इनिशिएटिव लोगे, अपनी लव लाइट ऑन करोगे, थोड़ा सा वो इनिशिएटिव लेंगे, तो उसमें चेंज ये आएगा कि आपके पार्टनर को लगेगा कि बातें कम हो रही हैं, तो वो बातें करने का ट्राई करेंगे आपके संग। बातों से ना आप लोग वापस क्लिक करोगे, वापस चीज़ रिवाइव होएगी आप दोनों में। तो यहाँ पे वो ना आपसे पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, आपकी सलाह लेंगे। सलाह मशवरा होता है ना जो पार्टनर्स करते हैं, वो होगा आप दोनों में, जो कि थोड़ा सा ना ख़त्म सा हो गया था। अच्छा, अब देखते हैं कि चार्म्स हमारे लिए क्या बोलते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं चार्म्स में क्या है। फ्लावर है बट सॉर्ट ऑफ अ रंगोली पैटर्न। अब देखिए यहाँ पे ना पैटर्न है हमारे पास, तो मैं आपको बोलूँगी कि किसी तरीके का तो पैटर्न है जो आपको ब्रेक करना है। अब वो किस तरीके का पैटर्न है, आप मुझे ऐसा लगता है आप ना वेट करते रहते हो कि दूसरा कब आपको आके अप्रोच करे, आप नहीं अप्रोच करते हो, आप वेट ही करते रह जाते हो, और वो एक चांस होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है किसी चीज़ की, वो निकल जाती है। तो थोड़ा सा ना आप बढ़ के आगे इनिशिएटिव लो। अगर आपका पार्टनर कुछ नहीं कर रहा है तो आप डिनर प्लान कर लो, क्या ही जाता है, प्यार तो दोनों ही करते हैं एक दूसरे से, तो आप कर लो डिनर प्लान, क्या दिक्कत है उसमें। आप दे दो सरप्राइज वेकेशन, एक मूवी प्लान, कुछ भी, एक बोरियत हटाने के लिए। पैटर्न तोड़ो अपना, ठीक है, जो एक आदतें बनी हुई है ना बहुत टाइम से, वो तोड़ो। वुल्फ, वो भी हाउल कर रहा है जो वुल्फ। अब देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको या आपके पार्टनर को ना रात बहुत पसंद है। रात या एक वो होता है ना वाइब, क्या बोलते हैं उसको, जैसे वुल्फ होते हैं पैक में चलते हैं वो, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप और आपके पार्टनर ना फ्रेंड्स बहुत पसंद करते हो। आप लोग अकेले नहीं रहते हो, आप लोगों के फ्रेंड्स बहुत हैं, मतलब पूरा दिन तो नहीं, खैर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट लाइक एवरी टाइम जब आपको चांस मिलता है आप फ्रेंड्स को बुला लेते हो, उनके पास चले जाते हो। तो यहाँ पे मुझे वो वाली फील आ रही है कि हो सकता है आपके फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व हों आपको आपके पार्टनर से मिलाने के लिए, या तो पास्ट में या फ्यूचर में, या फिर चीज़ें आगे और थोड़ी सी एक्साइटिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना, और आप लोग, कई लोग नाइट आउल्स होते हैं ना, रात को निकलते हैं, रात को पार्टी करनी होती है, रात को उनकी सारी क्रिएटिव एंगल, उनका क्रिएटिव माइंड जागता है, तो यहाँ पे वो रात बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है। टी फॉर तेलंगाना, ठीक है। अब टी किस तरीके से सिग्निफिकेंट है आपकी लाइफ में, वो आप देखिए। टी से कोई नाम हो सकता है, तमनदीप हो सकता है, त्रिशा हो सकती है नाम, हो सकता है नाम, कुछ भी हो सकता है। टी से कोई स्टेट, जैसे मैंने बोला तेलंगाना, कोई और स्टेट भी हो सकता है, सिटी भी हो सकती है, त्रिपुरा, कुछ भी, स्कूल नेम, गली का नाम, अब वो आप देखिए कि टी से कुछ सिग्निफाई कर रहा है, कुछ रेजोनेट कर रहा है या नहीं। यूनिवर्स, ओ ओके, टी और ओ, अगेन आप देखिए, आप बताइए कुछ कर रहा है तो। एक तो ओ टी बन रहा है हमारा, ओ टी, ओ टी वैसे तो ऑपरेशन थिएटर होता है, बट मुझे यहाँ पे कोई हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, बट हो सकता है रीसेंट पास्ट में आपका या आपके पेरेंट्स का या आसपास में किसी का भी कुछ ऑपरेशन हुआ हो शायद। और टू टी ओ, पता नहीं टी ओ से क्या हो रहा है, बट हाँ देखिए अगर आपको कुछ याद आ रहा है या कुछ रेजोनेट कर रहा है तो। एंकर, देखिए इस कनेक्शन में ना आप इस इंसान का सपोर्ट बनेंगे और ये आपका सपोर्ट बनेंगे। एक वो होता है ना बांधे रखना एक जगह से, कि एश्योरेंस मिलना, श्योरिटी मिलना कि अब हम परमानेंटली टिक गए हैं एक जगह। यहाँ पे एंकर वो सपोर्ट देगा आपको, ये जो इंसान होंगे ना ये आपके सपोर्ट सिस्टम होंगे बहुत सारी चीज़ों में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। सी
ओके, अगेन देखिए, सी अगर आपके लिए कुछ कर रहा है तो हमारे पास सी टी ओ है, हमारे पास सी ओ टी है, कॉट, टी सी है, टिकट कलेक्टर, टी सी ओ। तो देखिए, अगर इसमें से कुछ आपको रेजोनेट कर रहा है, कुछ बन पा रहा है या नहीं, बट हाँ, तो केप्रिकॉन, मैं सैजिटेरियस बोलने वाली थी, केप्रिकॉन, तो ये है आपकी नेक्स्ट 10 डेज की लव रीडिंग, 1 to 10 जून। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी इमरामा फैमिली का, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू, बाय।